आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हैमर के बारे में। हैमर एक प्रकार का मार्किंग टूल है और हैंड टूल है, जिसके द्वारा ठोकने पीटने का काम, स्ट्राइकिंग का काम किया जाता है। जैसे अगर किसी जॉब पर मार्किंग करनी हो तो पंच की सहायता से हैमर की चोट लगा करके मार्किंग लाइन को पक्का किया जाता है, या किसी मेटल को सीधा करना हो या मुड़ना हो या पीटना हो उसके लिए भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं। तो कार्च के अनुसार बहुत सारे हैमर होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हैमर के कुछ मुख्य बातों के बारे में हम जान लेते हैं। हैमर एक धातु का बना हुआ लोहे का डिवाइस है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को ठोका पीटा जाता है या सीधा किया जाता है। तो हैमर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्सों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका हैमर का ऊपरी भाग है, ये जिसको पेन कहते हैं। पेन के नीचे आइए तो इस भाग को, इस बीच वाले भाग को चिक या पोस्ट कहते हैं, पोस्ट या चिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जगह है जो अंडाकार बना हुआ है, जो कि एक सुराख है जो आर पार है, इसके बीचों बीच आर पार एक अंडे के आकार का सुराख है, जिसको हम आई होल के नाम से जानते हैं। आई होल के नाम से जानते हैं। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पर इसे हम हेड कहते हैं, हेड, और ये स्ट्राइकिंग फेस है, जिसको हम फेस के नाम से जानते हैं, फेस के नाम से जानते हैं। आई होल में क्या होता है कि हम हैंडल लगाते हैं, तो हैंडल हम इधर से लगाते हैं, तो मान लीजिए ये जो है अंदरूनी भाग में हैंडल होता हुआ इस तरह से हैंडल जो है लगाया जाता है, जिसको हम हैंडल बोलते हैं, हैंडल कहते हैं। हैंडल लगाने के बाद, क्योंकि हैंडल गोल आकार का होता है, तो यहाँ पर कुछ स्थान आपका खाली हो जाएगा। हैंडल गोल आकार का होता है तो कुछ स्थान खाली हो जाएगा, और हैंडल के अगले भाग को पेपर नुमा बनाते हैं। इस प्रकार से अगर आपका लकड़ी है, गोल लकड़ी है, तो यहाँ से हम इस तरह से पेपर नुमा बनाते हैं हैंडल, ताकि ये जो है आई होल में आसानी से फिट किया जा सके। फिट करने के बाद कुछ स्थान यहाँ खाली हो जाता है, जिसमें हम लकड़ी का पच्चर, जिसको वेज के नाम से जानते हैं, वेज के नाम से जानते हैं। पच्चर लगाने से क्या होता है कि लकड़ी का जो हैंडल है वह ढीला नहीं होता है, टाइट हो जाता है। आई होल में लकड़ी का हैंडल जो है टाइट हो जाता है। इस प्रकार वेज काम करता है हैंडल को टाइट करने के लिए। इसमें जो पहला ऊपर का भाग है, जो पेन है, ये अलग अलग आकार का होता है। तो अगर ये गोल है, अभी आप इसे गोल देख रहे हैं, अगर गोल है तो इसे बॉल पेन हैमर के नाम से जानेंगे, इसलिए कि बॉल जो होता है वह गोल होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बॉल पेन हैमर। अगर इसका आकार बदल जाए, अगर चीजल के समान हो जाए, चीजल यानी छेनी के आकार का बन जाए, तो इसको स्ट्रेट पेन या क्रॉस पेन हैमर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यह जो है हैमर काट करता है। तो बहुत सारे हैमर होते हैं जिसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है। हैमर में अधिकतर लकड़ी का ही हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी में जो है थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर हम बहुत तेजी से चोट मारते हैं किसी जगह पर, किसी स्थान पर या किसी मेटल पे,
तो हाथ में झटका नहीं लगता है। अगर लोहे का बनाया जाएगा हैंडल तो उसमें झटका लगेगा, इसलिए कि लोहे में स्प्रिंग एक्शन नहीं होता है, इसलिए लकड़ी का ही हैंडल लगाया जाता है। तो कांच के अनुसार जैसे इसका फेस है और पेन है, इन दो भागों को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है ताकि कांच करते समय इसकी जो आयु है वह बनी रहे, इसकी जो क्षमता है काम करने की वह लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए फेस और पेन को, केवल पेन और फेस को नहीं, इसी दो भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, बाकी भाग मुलायम रखा जाता है। मुलायम रखने वाला भाग जो ये चिप या पोस्ट जिसको कह रहे हैं हम, इस भाग को भी मुलायम रखा जाता है। अगर मुलायम नहीं रखा जाएगा तो चोट लगने के कारण यहाँ से क्रेक हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए हैमर के सभी भागों को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, सिर्फ फेस और पेन को ही किया जाता है। बीच वाला भाग यानी कि पोस्ट को सॉफ्ट रखा जाता है, उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमारा हैमर काम करता है। और कांच के अनुसार बहुत सारे हैमर होते हैं जिसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। ये जो है ये आपका हैमर का टोटल पार्ट्स है। उसके बाद इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है हैमर का, यानी कि इसकी पहचान कैसे किया जाता है। तो हैमर की पहचान उसके पेन की बनावट और वजन के अनुसार किया जाता है। जैसे ये आपका हैमर है तो इसकी पहचान होगा बॉल पेन हैमर और पेन हैमर और इसका वजन, जो भी इसका वजन हो 0.45 किलोग्राम हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार का छोटा जो हैमर होता है वह मार्किंग करने के लिए होता है और बड़ा हैमर जो होता है वह चोट लगाने के लिए होता है, भारी कार्यों के लिए। तो इस प्रकार किसी हैमर का वर्गीकरण होता है पेन के बनावट के अनुसार और वजन के अनुसार। तो इस प्रकार हैमर कार्य करता है। अगले क्लास में हम जानेंगे कितने प्रकार के हैमर होते हैं।